हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में जो मैंने गिटार अनबॉक्स किया था, केडेंस का फ्रंटियर सीरीज एकॉस्टिक गिटार, उसके साथ मिली थी कुछ बेसिक एक्सेसरीज, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया अमेज़न को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने उस गिटार को रिटर्न किया, साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप ऑनलाइन गिटार सेफली खरीद सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केडेंस फ्रंटियर सीरीज एकॉस्टिक गिटार की जब मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद कुछ चीज़ें हुई जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिस वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो पहली चीज़ तो साउंड ही थी, जो कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि अच्छे से रेजोनेट नहीं कर रहा था गिटार, उसमें जो नोट्स थे अच्छे से रिंग नहीं कर रहे थे जब मैं कॉर्ड स्ट्रम कर रहा था। साथ ही साथ जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग थी वो अच्छे से रिंग ही नहीं कर रही थी, वो अच्छे से उसकी साउंड ही नहीं आ रही थी, वो ब्लेंड ही नहीं कर रही थी बेसिकली। तो मेरे को मज़ा नहीं आया ज़रा सा भी। अब बाकी गिटार्स को देखूँ मैं 4,500 से 5,000 रुपये में, तो मैंने कई OEM ब्रांड्स प्ले भी करे हैं, जैसे कि कैप्स है, प्लूटो है, जिम है, तो ये गिटार्स डिसेंट होते हैं, जैसे कि मैंने OEM वाली वीडियो में बताया था। और ये वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं कि ये साउंड भी अच्छा करते हैं, मतलब अगर मैं 5,000 रुपये किसी गिटार के लिए दे रहा हूँ तो वो अच्छा साउंड भी करता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई गिटार लिया, ये भी करीब 5,600 का था, वो तो बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे करीब 4,000 का पड़ गया प्राइम डे सेल में। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये 5,600 का है, जबकि ये मीडियम साइज गिटार था। और इस पूरी कैटेगरी की बात करूँ जो मीडियम साइज गिटार की है, तो इसमें ये गिटार ही ऐसा लगा मुझे जो कि अच्छे साउंड नहीं करा। बाकी जो मैंने OEM ब्रांड्स ट्राई करे हैं वो काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं। और जैसे कि ये 5,600 का था, तो करीब 6,000 में तो वो आइबनीज का MD39C आ जाता है, जो कि एक ब्रांडेड गिटार है और काफ़ी अच्छा साउंड करता है। दूसरे रीजन है उसका कवर। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी होती है गिटार के साथ, जो मिलती है या आपको खरीदनी चाहिए अगर नहीं मिल रही। तो जो कवर उसके साथ मिला वो बहुत ही ख़राब था। मैंने उस गिटार को जब उस कवर में रखा तो वो ठीक से फिट ही नहीं हुआ उसके अंदर, बहुत ही ज़ोर ज़बरदस्ती से मैंने उसकी ज़िप बंद करी तब जाकर वो फिट हुआ। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ थी कि मैंने इतना महंगा गिटार लिया, करीब 5,600 का गिटार था वो, अगर नॉर्मल डेज में देखा जाए तो उस हिसाब से तो बहुत ही ख़राब चीज़ दी साथ में। जैसे मैंने इंटर्न का भी गिटार लिया था जो कि करीब 1,800 का था, मेरे को ठीक है कि ये 1,600 का पड़ गया, लेकिन इसमें भी जो कवर था वो ठीक था, प्राइस वाइज देखा जाए तो क्वालिटी ठीक थी उसकी, लेकिन जो कवर उन्होंने दिया फ्रंटियर सीरीज़ के साथ वो अच्छा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि जो कवर है वो थोड़ा बेटर होना चाहिए था। पहली बात तो फिट ही नहीं हुआ, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। दूसरा ये है कि पैडेड बैक देना चाहिए जब आप इतना अच्छा गिटार दे रहे हैं। जो बिल्ड क्वालिटी थी वो अच्छी थी गिटार की, तो अगर कोई वो गिटार लेता है तो वो उसको काफ़ी लंबे टाइम चलाना चाहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जब कोई फ्री एक्सेसरी दे रही है तो उसमें चाहे दो चीज़ें कम कर दे, चाहे कैपो ना दे, चाहे ट्यूनर ना दे, लेकिन जो कवर है वो अच्छा दे। कवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मैं भी आपको एडवाइस करूँगा कि आप अगर कोई भी गिटार लेते हैं तो साथ में एक पैडेड कवर लीजिए, उसमें पैसे मत बचाइए, क्योंकि कवर में पैसे बचाने से आपका ही नुकसान होगा। गिटार आपको कैरी करना है, आपको कहीं रखना है, स्टोर करना है, कहीं भी लेकर जाना है, चाहे आप 2-व्हीलर में जा रहे हैं, चाहे आप कार में जा रहे हैं, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं गिटार को, चाहे अपने घर पे रख रहे हैं, कहीं भी आप उसको लेकर जाते हैं, गिटार जो है सेफ रहता है एक बैग में। तो बैग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, तो उस पर आप ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। तो मैं केडेंस को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई फ्री एक्सेसरी दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले बैग ही दीजिए, साथ ही साथ वो अच्छा बैग दीजिए ताकि जो गिटार है वो ख़राब ना हो। तीसरी चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगी वो है गिटार स्टैंड। तो जो गिटार स्टैंड मिला था उसके साथ, वो देखने में तो डिसेंट लग रहा था, मैंने आपको खोल के भी दिखाया था, लेकिन वीडियो शूट करने के बाद जब मैंने गिटार उस पर रखा तो वो गिटार एकदम गिर पड़ा। वो तो अच्छा था कि मैंने उसको पकड़ लिया, तो वो काफ़ी स्टेबल सा नहीं था स्टैंड। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, जब आप चीज़ें दे रहे हो तो एटलीस्ट अच्छी दो। तो मज़ा नहीं आया मुझे उस गिटार को रखने में। ऑल दो मेरे को 2-3 वीडियोस बनानी थी, मैंने कुछ प्लान किया हुआ था, मैं उस गिटार को कुछ और गिटार्स के साथ भी कंपेयर करता, 1-2 चीज़ें और थी जो कि मैंने प्लान कर रखी थी उस गिटार के लिए, तो वो गिटार बट मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि सब कुछ ही फेल हो गया, क्योंकि साउंड ही अच्छी नहीं थी, तो कंपैरिजन का कोई फ़ायदा नहीं। अब अगर मैं रिटर्न प्रोसेस की बात करूँ तो जब मैंने अपनी ऐप में चेक किया योर ऑर्डर्स के सेक्शन में जाकर, तो वहाँ रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा था, रिटर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं कहीं फंस तो नहीं गया ये गिटार लेकर, कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने अमेज़न के कस्टमर सर्विस पे बात करी, उनको मैंने रीज़न दिया कि गिटार से मैं ज़रा भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, साथ में जो एक्सेसरीज है वो भी काफ़ी पुअर क्वालिटी की हैं। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और रिटर्न प्रोसेस कर दिया। लेकिन प्रोडक्ट के रिटर्न में 4-5 दिन लग गए, गिटार मेरे पास ही पड़ा रहा, मैंने उसको पैक करके रख दिया था और मैं वेट करता रहा। बहुत ही दिक्कत हुई, रोज़ मुझे कॉल करना पड़ा, लेकिन फाइनली जो है मेरा गिटार रिटर्न हो गया।
तो काफ़ी रिलीफ है मेरे को कि भाई मेरे 4000 रुपये बच गए। तो इस तरीके गिटार रखने का फ़ायदा नहीं है जिससे कोई वैल्यू ही ना निकल कर आए, ना साउंड अच्छी, ना कुछ है। तो इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जब आप ऑनलाइन गिटार खरीद रहे हो। तो पहली टिप है कि जब आप गिटार खरीद रहे हो तो कॉम्बो पैक्स मत लो। अब मैंने ये कॉम्बो पैक इसलिए लिया क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी थी, देखना था कि कैसी एक्सेसरीज़ मिलती हैं, तो इसलिए मैंने कॉम्बो पैक लिया था, और कोई रीज़न नहीं है। तो कोई भी आप कॉम्बो पैक मत लीजिए, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे कॉम्बो पैक मिल रहा है तो या तो गिटार में कुछ दिक्कत हो सकती है या एक्सेसरीज में। अब जनरली गिटार में कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे कि मैंने फेंडर का भी एक कॉम्बो पैक देखा था अभी थोड़े दिन पहले ही, तो उसमें गिटार में कोई दिक्कत नहीं है फॉर श्योर, लेकिन जो एक्सेसरीज होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो एक्सेसरीज हैं आप बाद में लीजिए एक एक करके, चाहे आप एक साथ नहीं ले सकते, और जो भी आपकी ज़रूरत है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है उस वक्त, वो वाली एक्सेसरी लीजिए। तो जो सबसे पहली आपको एक्सेसरी लेनी चाहिए वो कवर है। तो चाहे आप कोई ब्रांडेड गिटार खरीद रहे हैं, चाहे आप कोई OEM गिटार खरीद रहे हैं, तो आप सिर्फ गिटार लीजिए और जो कवर है वो अच्छा सा लीजिए। करीब 500-600 का एक डिसेंट सा पैडेड कवर आ जाता है और 800-900 में थोड़ा प्रीमियम कवर आ जाता है। तो एक कवर में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा उसी वक्त जब आप गिटार ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना गिटार को अच्छे से रखें, तभी वो सालों साल चलेगा, और कोई तरीका नहीं होता। तो गिटार मेंटेनेंस में जो सबसे पहला स्टेप है वो है एक अच्छा पैडेड कवर, तो उसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा जब आप कोई गिटार खरीद रहे हो। बाकी एक्सेसरीज की बात करें तो जैसे स्ट्रैप है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने खड़े होकर नहीं बजाना अगर आप बिगिनर हैं, आपने बैठ के ही बजाना है। एकॉस्टिक गिटार जो है आप बैठ कर ही बजाओगे, बैठ कर ही सीखोगे, तो खड़े होकर नहीं बजाना। कहीं आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो स्ट्रैप की ज़रूरत पड़ती है कि आपको खड़े होकर बजाना है, तो जो है स्ट्रैप से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तब आपको स्ट्रैप की ज़रूरत है, तो वो आप डिले कर सकते हो, उसकी आपको एकदम नीड नहीं है। और अगर ट्यूनर की बात करूँ तो ट्यूनर जो है वो आजकल मोबाइल में भी होता है, तो अगर आप एकदम नहीं अफोर्ड कर सकते कि आपने एक अच्छा गिटार ले लिया, सारे पैसे उसमें लगा लिए और बैग भी आपने अच्छा ले लिया साथ ही साथ, तो ट्यूनर भी मत लो आप। एक ट्यूनर होना तो चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, और इफेक्टिवली जो है ट्यूनर से ही ट्यून होता है एज़ कम्पेयर्ड अगर मोबाइल से देखे तो। ट्यूनर आप डिले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैपो की बात करो तो वो भी आपको पहले दिन नहीं चाहिए होता, क्योंकि पहले आप बेसिक्स करोगे, कॉर्ड सीखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जब आप कॉर्ड स्विच कर पाओगे अच्छे से, आप यू नो कॉर्ड्स की नॉलेज आपको आ जाएगी, तब है फ़ायदा कि आप कैपो लो। तो फर्स्ट डे ये सब एक्सेसरीज जो होती है अननेसेसरी होती है। मुझे ऐसा लगता है ये एक मार्केटिंग टैक्टिक है कि भाई कस्टमर को थोड़ा सा अट्रैक्ट करना कि आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं एक कम प्राइस पे, एक इकोनॉमिकल प्राइस पे, तो वो देखकर कंपनी देती है चीज़ें, ये मार्केटिंग होती है। तो मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, आप एक गिटार लीजिए, अच्छे गिटार में इन्वेस्ट करिए, साथ ही साथ एक अच्छे कवर में इन्वेस्ट करिए, और बाकी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके लेते रहिए। 200-300 रुपये में हर एक चीज़ मिल जाती है, तो कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, एक करके आप ले सकते हो, तो आपका अंडर 1000 में ये सारी एक्सेसरीज भी आ जाएंगी बाद में। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दो गिटार ऑर्डर किए थे, अब एक इंटर्न का गिटार था, दूसरा फ्रंटियर सीरीज था केडेंस का। तो इंटर्न का गिटार मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी कि हम इंटर्न का गिटार ले ले, तो मैंने उन्हें कहा हाँ आप ले लो, क्योंकि काफ़ी अच्छा निकला, आउट ऑफ द बॉक्स सेटअप अच्छा था, एक्सेसरीज भी ठीक ठाक थी। लेकिन आप अमेजोन पे अगर उसके रिव्यूज़ देखोगे तो वो कोई 5-star रिव्यूज़ नहीं है, 3 है 3.5 है, एवरेज है, मतलब मिक्स रिव्यूज़ है। कोई कहता है भाई टूटा हुआ निकला गिटार, कोई कहता है अच्छा नहीं है, कोई कुछ नेगेटिव बोलता है, कुछ लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इंटर्न के साथ वो अच्छा था, तो मैं इसलिए उसको बोल रहा हूँ भाई पॉजिटिव है, मुझे ORS और ZEBEL से भी बेटर लग रहा है। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो होता है लॉट का। तो लॉट का बेसिकली मतलब यहाँ पे हो गया स्टॉक। तो जैसे स्टॉक खत्म होता रहता है गिटार्स का और फिर वो आता रहता है चाइना से, तो हर थोड़े थोड़े टाइम में जो है स्टॉक जो है वो आता रहता है। तो इस चीज़ में भी ऐसा होता है कि कभी जो मैन्युफैक्चर होकर एक स्टॉक आया वो अच्छा आ गया, कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्टॉक आया वो अच्छा नहीं आया। तो जैसे कि आप केडेंस फ्रंटियर सीरीज़ की और भी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, मैंने जिसमें लोगों ने अनबॉक्स किया और कहा कि अच्छा है, तो वो वीडियोस कुछ पुरानी है, एकदम रीसेंट की नहीं है। ऐसा भी होता है कि गिटार्स एक लॉट में अच्छे आए, एक लॉट में अच्छे नहीं आए, तो ये चीज़ भी रहती है। अब इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि आप गिटार लो और अगर वो नहीं साउंड करता ठीक, जैसे कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, मैंने क्वालिटी चेक पॉइंट्स भी बताए हैं, और मैंने जैसे कि इस गिटार के अनबॉक्सिंग में कुछ पॉइंट्स बताए, अगर आपको वही चीज़ें फील होती हैं तो आप उसको रिटर्न कर दो। तो OEM गिटार्स जो होते हैं ना, जैसे केडेंस भी है, ये भी चाइना में ही बनता है, तो इन गिटार्स में यही रहता है, क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होती। इंटर्न का गिटार है, ये भी एक चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है, इसमें भी यही है कि क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है, कोई लॉट अच्छा आ गया, कोई लॉट अच्छा नहीं आया, किसी लॉट में जो है साउंड भी अच्छी है, सेटअप भी अच्छा है, किसी लॉट में साउंड शायद अच्छी हो, सेटअप अच्छा ना हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप गिटार खरीदना चाहते हो, आपका मन है फ्रंटियर सीरीज गिटार खरीदने का, आप ज़रूर खरीदो। मेरी वीडियो देखिए, ये नहीं कि आप गिटार मत खरीदो, लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स वही हैं जो मेरी वीडियो में मैंने दिखाई हैं,
तो आप उससे रिलेट करके एक डिसीजन ले सकते हो, आप उस चीज़ को वापस कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा, जब आप कोई गिटार लेते हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा एक बार आप कस्टमर केयर पर कॉल करो, उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ लो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते उस प्रोडक्ट से तो क्या कंपनी वापस ले लेगी, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, तो उनकी रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए, ताकि अगर आप रिटर्न करना चाहो, आप अपने पैसे चाहो कि रिफंड हो जाएं, तो इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।